हे गाइस, कैसे हो आप लोग? द फर्स्ट थिंग 2-3 डेज से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं कुछ चीज़ों में बिजी थी। वीकेंड था और बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी थी पेंडिंग थी, इसलिए आई वॉज बिजी इन दैट। एनीवेज, जहाँ तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात है तो वो चल रही है। अगर आप लोगों ने भी स्टार्ट की है तो उसको कंटिन्यू करते रहो। उसके बारे में सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप कर लो। और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, उसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। एनीवेज, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं कि जो मैंने क्वारंटीन वाला वीडियो डाला था तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे सवाल आए उसके बारे में, क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ता है, कौन अभी आ सकता है यूएई में या अबू धाबी में। तो आज इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, सब कुछ बताऊँगी डिटेल में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, उसमें ही मैं आपको सारे रूल्स भी समझा दूंगी। जब हम लोग जब इंडिया से आए थे, हम लोग आए थे 2 तारीख को, 2 मार्च को हम लोग यहाँ पे आए थे। तो जब भी इंडिया आने से पहले आपको हमेशा एक ICMR अप्रूव लैब से PCR टेस्ट कराना होता है, कोविड टेस्ट कराना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ICMR अप्रूव्ड लैब ही होना चाहिए। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करो कि आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप जाके उसमें सर्च करते हो कि आपकी सिटी में, आपके आसपास ICMR लैब कहाँ है, तो आपको पता पड़ जाएगा। वहाँ से आपको आपका PCR टेस्ट कराना है, कोविड टेस्ट कराना है। और आप जब यहाँ पे वो टेस्ट का जब रिपोर्ट दिखाओगे पूरा, तो उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब आपने जिस टाइम टेस्ट करवाया है उससे लेके जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब तक के बीच में 72 आवर्स तक का ही लास्ट टाइम होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि जब हम लोग आ जाते हैं अबू धाबी में तो क्या होता है। तो जब हम लोग आए थे अबू धाबी में, हमारी फ्लाइट थी लगभग रात को 12:30 बजे और हम लोग यहाँ पे लैंड कर गए थे 3-4 बजे तक, लेकिन हम घर पहुँचे हैं 8 बजे। हमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि वहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो हमें पूछा गया था कि हम कहाँ से आए हैं, तो हमने बोला कि हम मुंबई से आए हुए हैं। और वहाँ पे हमें भी और बहुत सारे लोगों को रोका गया था और ऐसा कुछ चल रहा था कि वो लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने वाले थे हम लोग को, मतलब उनके रूल्स के हिसाब से जो भी आ रहा है बाहर से उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगा था कि हालांकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, हम फैमिली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा सुना था कि फैमिली को नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन, इसलिए हम लोग आ गए थे। लेकिन उस टाइम वहाँ पे वो लोग के रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमें इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन ही कर रहे थे। और हमारे साथ ऐसे और भी लोग थे, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो बाय लक हमें उन्होंने परमिशन दे दी कि हम होम क्वारंटीन हो सकें। तो अगर आप अबू धाबी आ रहे हो तो पूरा प्रिपेयर रहना। हो सकता है आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन होना पड़े और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात मान ली जाए और आपको होम क्वारंटीन होने के लिए परमिशन मिल जाए। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। फिर उसके बाद जब हम लोग एयरपोर्ट पे, जब हम लोग घर आ रहे थे, एयरपोर्ट से घर आ रहे थे, तो वहाँ पे सबसे पहले आते ही आपका PCR टेस्ट होगा। एयरपोर्ट पे ही वो लोग PCR टेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप जब आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको रिस्ट वॉच पहनाएंगे, रिस्ट बैंड है वो पहनाएंगे जो आपको आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा। और अगर आप 50 मीटर से बाहर जाते हो, जब आप होम क्वारंटीन हो और अगर आप 50 मीटर से बाहर जाते हो तो उन लोग को पता चल जाएगा। और फिर इसका जो फाइन है वो है 50,000 दिरहम, मतलब अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 50,000 दिरहम है इसका फाइन। उसके बाद होम क्वारंटीन में जब वॉच निकालने की कोशिश की, वैसे तो वो वॉच नहीं निकाल सकते, अगर वो वॉच निकालने की कोशिश की या फिर होम क्वारंटीन का रूल तोड़ने की कोशिश की तो 50,000 दिरहम का फाइन है। उसके बाद जब हम लोग एयरपोर्ट से वापस जब हम लोग घर आ गए थे तो हम लोग 10 डेज क्वारंटीन थे। जो रूल था पहले 14 डेज का, वो हो गया है 10 डेज। तो 10 डेज क्वारंटीन होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे नहीं, कुछ टाइम बाद ही हमें PCR टेस्ट हुआ था, कोविड टेस्ट हुआ था। उसकी हमारी रिपोर्ट आ गई थी, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। अगर किसी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो वो अपने इंस्टीट्यूशन या जो भी उनका हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे वो लेके जाते हैं। उसके बाद जब आपका 8वां दिन होता है, पहले 6 डे भी करवाना पड़ता था, लेकिन अभी जो 8 डे होता है आपका, उस दिन आपको टेस्ट कराने जाना होता है, PCR टेस्ट कराने जाना होता है। हमारा जो 8 डे पड़ा था उस दिन हम लोग PCR टेस्ट कराने गए थे। मुझे क्वेश्चन आया था कि PCR टेस्ट कराने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है क्या? PCR टेस्ट कराने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। उनके पास रिकॉर्ड होता है आपका पूरा डाटा कि आप कब आए हो और कब आपका 8 डे होगा। तो आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आपको उस दिन बस उतनी ही जगह पे जाना है। मतलब ये नहीं कि आप PCR टेस्ट करवाने गए और आप कहीं और भी चले गए, ये पूरा वो लोग ट्रैक करते हैं। तो आपको बस इतनी ही परमिशन है कि आप PCR टेस्ट जहाँ हो रहा है उस सेंटर तक जा सको और वापस आ सको। तो 8 डे पे हम लोग गए थे हमारा PCR टेस्ट कराने। अब PCR टेस्ट कहाँ होता है, तो वो सेहा के जो भी सेंटर है, कॉर्निश के पास में जैसे सेहा सेंटर है वहाँ पे हम गए थे। हमारा कोविड टेस्ट वहाँ पे हुआ था। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपको वहीं क्यू में रहना है और उसके बाद वो खुद आके आपके गाड़ी में ही आपका कोविड टेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कोविड टेस्ट होने के बाद आप वहाँ से जा सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें वो जो रिस्ट बैंड मिलता है तो उसकी बैटरी अच्छे से काम नहीं करती, या कभी कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है वॉच से रिलेटेड, वो लोग आपको एक नंबर बताएंगे एयरपोर्ट पे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ कॉल कर सकते हो। तो अगर वॉच से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उस पर कॉल कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि इसका चार्जर में प्रॉब्लम है या वॉच वर्क नहीं कर रही, वॉट एवर इट इज़। तो वो लोग आपको घर पे आके उसका सामान दे जाते हैं, नया चार्जर दे जाएंगे। उसके बाद जब 10 दिन हो जाएंगे, मतलब 10वें दिन जाना है वापस रिस्ट वॉच को निकलवाने। वो भी सेहा के सेंटर में ही जाना है। वो भी एकदम सिंपल प्रोसीजर है। आप वहाँ पे जाओगे, एक बहुत बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे आप बैठोगे चेयर्स पे और 1 to 1 आपको आगे आते जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए लोग तो 1 to 1 आपको आगे आते जाना है। वहाँ पे वो आपकी वॉच निकाल देंगे। तो इस तरह 10 डेज आपको क्वारंटीन रहना है। इसके बाद अगर आप दुबई आते हो और दुबई से अगर आप किसी भी एमिरेट्स में जाते हो, दुबई या फिर कहीं पे भी, अगर आप आज दुबई आए हो तो आप जितने भी दिन दुबई रहते हो, दुबई में तो क्वारंटीन का अभी कुछ भी नहीं है, तो दुबई में आप जितने भी दिन रहते हो और उसके बाद अगर आप अबू धाबी आना चाहते हो तो क्वारंटीन डेज जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। जितने भी दिन आपने दुबई में स्पेंड किए हैं वो दिन वो माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो बचे हुए दिन है, या तो आप पूरा 10 दिन वहाँ पे ड्यूरेशन दुबई में ही करके आओ, या फिर आप 5वें 6वें दिन आ रहे हो तो बाकी जो पहले के जो दिन थे वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो 4 दिन शायद आपको 4 या 5 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। मतलब जितने भी दिन बचेंगे 10 दिन में, उतना आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसके अलावा क्वारंटीन होने का जो रूल है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ग्रीन कंट्री से आते हैं। इन्होंने कुछ ग्रीन कंट्रीज दी हुई है, शायद वहाँ पे कोविड के केस कम है इसलिए। तो वो जो ग्रीन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उन लोग को होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बैड लक, हमारा इंडिया जो है वो उन ग्रीन कंट्रीज में अभी नहीं है। तो ये थी सारी बातें अबू धाबी में लैंड होने से लेके क्वारंटीन होने तक की क्या क्या करना है, कहाँ करना है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।